और मुझे लगता है कि फार्मा स्पेस में थोड़ा और यहाँ पे हमें बाइंग इमर्ज होता हुआ दिखेगा। तो इस स्पेस में से जो मेरा पिक है वो खलदारी के राय होगी सिप्ला पे। और सिप्ला पे अगर हम देखें तो एक अहम डेटा पॉइंट है। पहली बात तो 2-3 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है अपने अहम सपोर्ट के पास। और अगर यहाँ पे हम ऑप्शंस का डेटा देखेंगे तो जो हैवीएस्ट पुट है वो 900 रुपये के आसपास पे प्लेस्ड है और वहीं पे अभी फ्यूचर का प्राइस चल रहा है। तो इस प्राइस के नीचे जाना काफी डिफिकल्ट होगा स्टॉक के लिए। मुझे लगता है पूरा फार्मा सेक्टर और सिप्ला में एक अच्छा रिबाउंड आता हुआ दिखेगा। तो 920 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय है। लगभग 15 रुपये के आसपास ये कॉल ऑप्शन अभी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे 11 रुपये पे और 22 और 25 ये दो टारगेट होगा इस कॉल ऑप्शन के लिए। तो सिप्ला का 920 के स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन पे खरीदारी के। वो है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX। फायदा दोनों को हो सकता है, दोनों मतलब ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों को IEX में फायदा हो सकता है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज सबसे बड़ा एनर्जी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है भारत में। 95% का मार्केट शेयर, दमदार मार्केट शेयर। अभी हाल में ही इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, सर्टिफिकेट्स है, इसका भी बिजनेस स्टार्ट किया है। गैस के कॉन्ट्रैक्ट्स की भी बहुत बड़ी योजना है, जो गैस के कॉन्ट्रैक्ट्स भी ये एक्सचेंज पे ट्रेड हो। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पे खरीदारी की राय है। और सबसे बड़ा कारण है कि इनके जो फाइनेंशियल्स है, रिटर्न ऑन इक्विटी 60% के करीब, मार्जिन 60% के करीब, नतीजे दमदार। IEX पे खरीदारी की राय है। टारगेट होगा 317 का, 317। ट्रेडर को भी फायदा होगा और इन्वेस्टर